सोशल मीडिया में लाइक्स पाना किसको पसंद नहीं है, लेकिन किसी किसी लोगों का ड्रीम होता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लाइक वाले पोस्ट को क्रिएट करना। इसी को क्रिएट किया एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव क्रिस गॉडफ्रे। इन्होंने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड एग को। इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक अंडे का पिक्चर डाला और उस पे ये लिखा कि इसको चलो बनाते हैं सबको मिलके सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा लाइक्ड पोस्ट, और लोग उसको लाइक करने भी लगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। वो बहुत दिनों तक पूरे सोशल मीडिया का सबसे लाइक्ड पिक्चर था, लेकिन अब जो ये वर्ल्ड कप वाला पिक्चर है उसको इसने डिफीट कर दिया और लाइक्स के नंबर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इनफैक्ट अगर आप सबसे ज्यादा लाइक्ड किए गए पोस्ट का पूरा समरी देखोगे तो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो फोटोज है वही टॉप में आते हैं ज्यादातर। तो आखिरकार ये रिकॉर्ड अब जाके टूटा, नहीं तो अब तक एक अंडा डोमिनेट कर रहा था सबसे ज्यादा लाइक्ड पोस्ट। अब बात करते हैं हमारे बॉडी के कुछ मिस्ट्रीज के बारे में। क्या आपको पता है कि जो हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? ये वैज्ञानिकों को नहीं पता। अब आप कहोगे किस लिए? वो कोई चीज पे हम लोग ग्रिप बना सके इसलिए रफ होता है, फिंगरप्रिंट होता है। बट बात यह है कि रिसर्चेस में ये पता चला है कि फिंगरप्रिंट एक्चुअली में कॉन्टैक्ट एरिया को कम करता है। अगर हमारे हाथ में फिंगरप्रिंट नहीं होता, स्मूथ स्किन होता, तब एक्चुअली में ज्यादा ग्रिप होता। एंड इससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसलिए ये थ्योरी कि ये ग्रिप के लिए है ये असल में गलत है। तो फिंगरप्रिंट एग्जैक्टली होते किस लिए हैं ये एक्चुअली में अभी तक विज्ञान डिकोड नहीं कर पाई है। हमारे बॉडी में जो अपेंडिक्स पार्ट है ये असल में जनरली कोई काम का नहीं होता है, बट फिर भी इंसानों में होता है क्यों है ये दूसरी मिस्ट्री है। बॉडी में अपेंडिक्स क्यों होता है ये एक मिस्ट्री है। तीसरी मिस्ट्री ये है कि बॉडी में डिफरेंट ब्लड टाइप्स क्यों होते हैं, इसका आंसर भी अभी तक विज्ञान को नहीं पता। हम सपने क्यों देखते हैं, वाई डू वी ड्रीम, इसका अभी तक कोई साइंटिफिक आंसर वैज्ञानिकों को नहीं मिला है। और ये थी चौथी मिस्ट्री। और एक मिस्ट्री ये है कि लाफ्टर, हंसी कॉन्टेजियस क्यों होती है, जस्ट लाइक योनिंग। जैसे हंसते हुए इंसान को सुन के या फिर देख के दूसरे भी हंसने लगते हैं, तो ये वायरलेस ट्रांसफर मैथमेटिकली और साइंटिफिकली कैसे होता है ये भी मिस्ट्री के लिस्ट में आता है। व्हाई लाफ्टर इज कॉन्टेजियस। फैक्ट नंबर 25, विकिपीडिया में आप ये स्निपेट देखो, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि जो वर्ल्ड कप का ये फेमस इमेज है इसमें सिर्फ 39 मिनट्स में ही 40 मिनट से भी कम समय में 10 मिलियन लाइक्स हो गए थे। फैक्ट नंबर 24, ऑस्ट्रेलिया में एक कैदी था, एक बहुत ही फेमस कैदी जिसका नाम है जोसेफ जोन्स, और ये जेल से बहुत बार भागा था। जितना भी टाइट सिक्योरिटी रख लो, अगर इसको कुछ दिन रख दिया जाए वहां पे तो ये किसी ना किसी तरह से एस्केप कर जाता था। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, लास्ट में जाके इन्होंने एक बहुत ही तगड़ा एक ऐसा जेल फाइनली उसमें डाला जहां से ये एस्केप नहीं कर पाएगा। और वहां के जो अथॉरिटीज है उन्होंने, जैसे कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, ये भी कहा कि इस बार अगर तुम बाहर आ गए तब तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, जाओ बाहर निकल के दिखाओ। एंड आप यकीन नहीं करोगे, वो फिर से बाहर निकल गया। जोसेफ जोन्स ये आज तक के सबसे चालाक प्रिजनर्स में से एक था। फैक्ट नंबर 23, किंग कोबरा। जो आप किंग कोबरा को देख रहे हो, इसको आपने कभी बिना स्किन के देखा है? अगर इसका स्केलेटन को अगर हम लोग देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, किंग कोबरा का स्केलेटन। फैक्ट नंबर 22, एमबीए को लेके एक बहुत ही फेमस एक नॉलेज सेट प्रेजेंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। आप किसी पार्टी में हो, आपको एक सुंदर लड़की दिखी, उसके पास आप गए और आपने उसे कहा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे से शादी कर लो, तो इस चीज को कहेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसा ही फील होता है। दूसरा, आप एक पार्टी में हो और कोई सुंदर सी लड़की खुद चल के आए और आपसे कहे विल यू मैरी मी, ये होता है ब्रांड रिकॉग्निशन।
बिजनेस के एंगल से। एडवर्टाइजिंग और ब्रांड रिकॉग्निशन में ये डिफरेंस होता है। एडवर्टाइजिंग उतना अपीलिंग और कूल नहीं होता है जितना एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड रिकॉग्निशन एक कंपनी का होता है। फैक्ट नंबर 21, भारत के गुजरात के सूरत के बारे में एक फैक्ट है जो कि आप जान के चौंक जाओगे। सूरत में बहुत मात्रा में डायमंड की पॉलिशिंग और कटिंग होती है। डायमंड का हब माना जाता है। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि दुनिया में जितने भी डायमंड मौजूद है, उसका जो ज्वेलरी बनता है और बाकी चीजें, तो उसमें 90% से भी ज्यादा कटिंग और पॉलिशिंग इंडिया में ही होता है और उसमें से ज्यादातर सूरत में होता है। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, बल्कि इंडिया में, गुजरात में। गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस लिस्ट में सेकंड में आता है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। आप इस लिस्ट को देख सकते हो, सेकंड नंबर पे है ये। और थर्ड नंबर पे आता है ईडन गार्डन्स। और कैपेसिटी को भी आप देख सकते हो कितने सीट्स मौजूद है इन स्टेडियम में। फैक्ट नंबर 19, अब जो बता रहा हूँ कोई फैक्ट नहीं है, बस सुन के मजे लेना। ऐसी क्या चीज है जिसको कि आप एक बार खाने के बाद दोबारा नहीं खाना चाहोगे? धोखा। ऐसी कौन सी चीज है जो कि आप जब सोते हो तो वो नीचे गिर जाती है और जब उठते हो तो वो भी ऊपर उठ जाती है? पलक। दुनिया में कौन सा ऐसा फल है जो कि बाजार में नहीं मिलता? मेहनत का फल। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि जो वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है, इसमें अगर एक चीज आ गई ना तो वो सब कुछ बदल के रख देगी। पॉजिटिव है या नेगेटिव है मेरे को नहीं पता, लेकिन सेंस ऑफ टच इस पे एक्टिवली वर्क हो रहा है। एंड ऐसी टेक्नोलॉजी निकल रही है जिसमें कि आप सेंस ऑफ टच और किस को भी फील कर पाओगे, किस वाली फीलिंग को इलेक्ट्रिकली आपके बॉडी में वो फील होगा। जैसे एक आप वर्चुअल रियलिटी में कोई गेम खेल रहे हो और एक क्रिएचर है जो कि आके आपको ऐसे पकड़ रहा है आपके पास आके, तो अभी आप थोड़े ना एक्चुअली में आपको ऐसे फील होता है कि कोई पकड़ा हुआ है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी के इस टेक्नोलॉजी के बाद कुछ वैसे ही फील होने लगेगा। सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, ये सब को रिक्रिएट किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 17, देखो जो सबसे अमीर लोग हैं जैसे कि एलोन मस्क, गौतम अडानी, इनके पास कितना पैसा है उसको मापने का एक सिंपल सा एक लॉजिकल बात आपको बता रहा हूँ। आपके लिए जितना एक रुपया है ना, अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक रुपया दे दो काम हो जाएगा मेरा, तो ऑफकोर्स आप मेरे को दे दोगे। आपको लगे एक ही रुपया है ना, चलो ठीक है एक रुपया में क्या, इट्स नॉट अ बिग डील। 100 रुपए, 1000 रुपए, 10000 रुपए, इतना अगर कोई मांगे तो फील होता है ना। एक रुपए कोई मांगे, क्या है? ले लो, नो प्रॉब्लम, ऐसा लगता है। तो जो सबसे बड़े 100 बिलियन डॉलर से भी ऊपर वाले नेटवर्थ वाले लोग हैं, इनके लिए एक रुपए, इनके लिए हमारा एक रुपया वाला जो फीलिंग है ना कि हाँ एक रुपया बस लो, उतना इनके लिए करीब 50 लाख रुपए। जी हाँ, अगर सेंस की बात करें तो इनके पास जितना वेल्थ है, अगर आप इनके सामने 50 लाख रुपए की बात करोगे तो इनके मन में वही केमिकल निकलेगा जो कि हम लोग को एक रुपए सुन के निकलता है। जी हाँ, ये है कंपैरिजन। फैक्ट नंबर 16, 1994 को सिनेमा के हिस्ट्री का सबसे अच्छा ईयर माना जाता है, क्योंकि 1994 में जुरासिक पार्क, पल्प फिक्शन, द शॉशैंक रिडेम्पशन, फॉरेस्ट गंप, ये चारों मास्टरपीस 1994 में ही निकला था, एक ही साल के अंदर। फैक्ट नंबर 15, आपको पता है एक साइकोलॉजिकल सी एक टेल है जो कि आपको सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 90% ऑफ द सक्सेस जो आती है वो उन चीजों से आती है जो ज्यादातर लोग डेली नहीं करना चाहते हैं। मेहनत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, जिससे लोग भागते हैं ना, वही एक्चुअल में सक्सेस अचीव कराती है। ये काफी अजीब सी बात है, मजेदार चीजें कभी सक्सेस अचीव नहीं कराएगी एक्चुअली में, लॉन्ग टर्म में आप देखो तो। जो बोरिंग चीजें जो लगती है लोगों को, उसी से सक्सेस एक्चुअली में मिलती है। डिसिप्लिन, पढ़ाई, फोकस बढ़ाना और बाकी ये चीजें, मेडिटेशन, इसलिए हमें बोरिंग चीजों को भी कुछ देर के लिए डेली
कॉन्सिस्टेंटली करना चाहिए। जैसे कि उन्हें कहते हैं कि अगर कोई जैसे जॉब मिलने के बाद अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो उसमें से 15,000 रुपए SIP करना चाहिए। वो एक बोरिंग सी चीज है लेकिन वही 15 साल में 1 करोड़ रुपए आपको दे सकती है। इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात हो रही है तो छोटी छोटी चीजों को कॉन्सिस्टेंटली करने पे ही एक्चुअली में कुछ अचीव होता है। फैक्ट नंबर 14, कुची साबिशी। ये एक जापानीज वर्ड है एंड इससे आप जरूर रिलेट कर पाओगे। कुची साबिशी का मतलब होता है कि आप इसलिए नहीं खा रहे हो कि आपको भूख लगी है, आपका पेट भरा हुआ है, आप हंग्री नहीं हो, लेकिन आपका माउथ जो है वो लोनली फील कर रहा है और भूख नहीं लगे हुए भी कुछ चटपटा खाने का मन करता है। ऐसा बहुत लोग रेगुलरली करते हैं कि उनका माउथ लोनली होता है ना कि पेट। तो इसी बोरिंगनेस को मिटाने के लिए खाने को कुची साबिशी कहते हैं। बहुत ही फेमस जापानीज टर्म है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि म्यूजिक जैसे हमें रिलैक्स करता है, एंटरटेनमेंट पहुंचाता है, खुशी पहुंचाता है, प्लेजर पहुंचाता है, वैसे ही जो पेड़ है, ऐसे कई स्टडीज किए गए हैं जिनमें ये पता करने की कोशिश की गई है कि पेड़ों पे म्यूजिक का क्या असर पड़ता है। और कुछ कुछ मामलों में ये निकला भी है कि पेड़ जल्दी ग्रो होते हैं। ऐसा कोई कन्फर्म्ड स्टडी नहीं है और इस टॉपिक पे स्टडीज एक्टिवली चल रही है अभी, लेकिन जहां तक पता चला है कुछ तो है म्यूजिक में। और क्योंकि पेड़ भी लिविंग बीइंग है, जिंदा प्राणी है, तो उनपे भी म्यूजिक का असर पड़ता है। अब वाइब्रेशन से पड़ता है या फिर कैसे पड़ता है, क्योंकि पेड़ के तो कान नहीं होते हैं, तो वाइब्रेशन या ऐसे कैसे पड़ता होगा, लेकिन पड़ता है उनपे असर म्यूजिक का, और स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक का। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि सबसे लंबे लोग नीदरलैंड्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे मेल की एवरेज हाइट 182 सेंटीमीटर होता है और फीमेल का 169। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि सूडान के जो पिरामिड्स हैं, ये क्लेम किया जाता है कि वो इजिप्ट से भी 2000 साल और पुराना है। इजिप्ट 5000 साल पुराना है, सूडान का पिरामिड और 2000 यानी 7000 साल पुराना है। और इजिप्ट में करीब 250 पिरामिड्स हैं, लेकिन सूडान में ये एस्टिमेट किया गया है कि 2000 से भी ज्यादा पिरामिड्स हैं। फैक्ट नंबर 10, अमेज़न $1 trillion की कंपनी आपको पता ही होगा, लेकिन आपको पता है अमेज़न पहली ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू 1 trillion से ज्यादा गिरा है। ऐसी पहली पब्लिक कंपनी बनी जिसका जो मार्केट वैल्यू है वो 1 trillion से कम हुआ है। फर्स्ट कंपनी टू लूज $1 trillion इन मार्केट वैल्यू। कंपनीज का जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे होते रहता है मार्केट के हिसाब से। अगर कोई कंपनी मान लो 7000 करोड़ की है तो ऐसा नहीं कि वो कांस्टेंट वैल्यूएशन होता है, वो चेंज होते रहता है। फैक्ट नंबर 9, अर्जेंटीना में जब फीफा वर्ल्ड कप का जीत हुआ तब जो वहां का ये इंसेन क्राउड था, जो ये वर्ल्ड के सबसे बड़े क्राउड्स में से एक था, इस क्राउड में 1 million यानी 10 लाख लोग से भी ज्यादा है। मेरे सब्सक्राइबर 17 मिलियन है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब पे क्लिक किया है शुरू से लेके आज तक, वो सब अगर आ जाए एक साथ तो इससे बड़ा क्राउड खड़ा कर देंगे हम लोग। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि पहला मून मिशन जो हुआ था इंसान के इतिहास में, उसमें जो कंप्यूटिंग पावर लगा था उससे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर आपके मोबाइल फोन में मौजूद है। उतने कम टेक्नोलॉजी के सहारे भेजा गया था चांद पे इंसान को। तो अब जब आप एक गूगल सर्च मारते हो, सर्च करते हो, तब जो करोड़ों रिजल्ट्स आते हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको दिखाने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर लगती है, वो चांद पे भेजने के लिए जो पूरा कंप्यूटिंग पावर लगा था उससे भी ज्यादा है जो कि आप हर सेकंड यूज करते हो। एक गूगल सर्च करने पे लाखों कंप्यूटर्स का इंटरैक्शन होता है और तब आपको रिजल्ट मिलता है। गूगल बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और लगभग हर कोई यूज करता है गूगल को, और उसके सर्च एक्चुअली में वही ज्यादातर होते हैं जो कि एक इंसान को चाहिए, रिलेवेंट सर्च रिजल्ट्स, एंड इसीलिए इतना सक्सेसफुल हुआ है गूगल। एंड इसी काम के लिए वो लाखों कंप्यूटर्स का यूज करता है
और हमें पता ही नहीं चलता। सुंदर पिचाई का ये ट्वीट देखो कि गूगल सर्च जो है वो अपना हाईएस्ट एवर ट्रैफिक जो रिकॉर्ड किया है गूगल में लास्ट 25 सालों में, वो फीफा वर्ल्ड कप के टाइम किया है। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया उसी के बारे में सर्च कर रही है। सोचो, गूगल के तरफ से ये ऑफिशियली ये पोस्ट किया गया है कि उनका हाईएस्ट एवर सर्च ट्रैफिक फीफा वर्ल्ड कप के टाइम ही आया। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि SBI का जो पासबुक है वो ट्रेंड करने लगा था फीफा के टाइम, क्योंकि अर्जेंटीना का जो फ्लैग है और SBI का जो पासबुक है उसका डिजाइन काफी मैच करता है। फैक्ट नंबर 6, आपको पता है जिस तरह मूवीज में जो एक्टर्स होते हैं उनको रिकॉग्निशन मिलता है, पीछे वाले एडिटर्स को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, और हजारों एडिटर्स काम करते हैं मूवी में तब जाके वो पॉसिबल हो पाता है, वो अंडररेटेड है। और एक अंडररेटेड जो है वो लोग मानते हैं IT गाइज को। जैसे आपने देखा होगा समय समय पर व्हाट्सएप डाउन हो जाता है, कभी कभी घंटों के लिए व्हाट्सएप नहीं चलता, कभी ट्विटर डाउन हो जाता है, कभी बड़े बड़े गवर्नमेंट वेबसाइट्स डाउन हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए IT प्रोफेशनल्स काम करते हैं, सर्वर्स के सामने घंटों खड़े होकर कॉम्प्लेक्स वर्क्स करते हैं तब जाके ठीक होता है। तो यही वो है जिनके चलते हम 24 घंटे कनेक्टेड रह पाते हैं टेक्नोलॉजी के मदद से, एंड टेक्नोलॉजी को यही लोग संभव कर पाते हैं एक्चुअल में। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एक ब्लू व्हेल का जो सबसे बड़ा क्रिएचर है धरती का, ब्लू व्हेल, उसका जो टंग है, जीभ, उसका वजन एक हाथी के वजन से भी ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपके बॉडी में एक लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाला और एक स्मॉल इंटेस्टाइन है ये वाला। इसका नाम काफी अजीब है क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो साइज है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जो स्नेल्स होते हैं जो बहुत धीरे चलते हैं, इनको मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, नमी की, और अगर नमी ना हो, सही क्लाइमेटिक कंडीशन ना हो, तो वो 3 साल के लिए सो जाते हैं। जी हाँ, वो 3 साल तक लगातार सोते रहते हैं अगर सही क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिला, मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो बोलेगा मॉइस्चर नहीं है, मैं सो रहा हूँ 3 साल के लिए बस। एंड ये अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं। सोना अलग चीज हुआ, हाइबरनेट करना अलग चीज हुआ। हाइबरनेट में वो बॉडी को एक तरह से फ्रीज कर देते हैं ताकि कम से कम एनर्जी में वो जिंदा रह सके, एंड जब मॉइस्चर वापस लौटती है तो वो वापस जिंदा कर लेते हैं अपने आप को। समय आ गया जिंदा होने का। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि बिल्लियां जो है उनको मीठे चीजों को सेंस करना नहीं आता है। जी हाँ, एक स्टडी के हिसाब से मिलियंस ऑफ ईयर पहले, लाखों साल पहले, इनका जो स्वीट टेस्ट करने का जो रिसेप्टर है, जो जीन्स है, वो लुप्त हो गया था। उसके बाद से वो स्वीट टेस्ट नहीं कर पाते हैं। अजीब बात है, बिल्लियां स्वीटनेस को एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकती। सॉल्टी चीजों को कर सकती है, स्वीट को नहीं कर सकती है। जैसे इंसान मीठा खट्टा हर कुछ जानता है कि मीठा क्या होता है, खट्टा क्या होता है, लेकिन ये नहीं कर सकते कभी भी मीठे को टेस्ट। फैक्ट नंबर 1, कंट्री, जो मैप पे आप कंट्री देखते हो ये टाइम जोन्स में भी बटा हुआ है। भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, मतलब जो टाइम अरुणाचल प्रदेश में हो रहा होगा सबसे उधर वाला रीजन, वही टाइम गुजरात में भी हो रहा होगा, वही टाइम बंगाल में भी हो रहा होगा, वही टाइम कन्याकुमारी में भी हो रहा होगा। एक ही टाइम जोन है पूरे इंडिया में, लेकिन ऐसे भी कई कंट्रीज हैं जो इतने चौड़े हैं कि उसमें मल्टीपल टाइम जोन है। कंट्री एक ही है, कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा आता है फ्रांस, 13 टाइम जोन है यहाँ पे। फिर रशिया, 11 टाइम जोन है। USA में भी 11 टाइम जोन है। और इस लिस्ट में आप नीचे बाकी कंट्रीज को भी देख सकते हो। ज्यादातर कंट्रीज में एक ही टाइम जोन है और बीच में इंडिया में ये हमारा 5.5 घंटे वाला टाइम जोन। तो ये था आज के फैक्ट्स। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया तो जरूर कर लेना, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।